हेलो नमस्ते दोस्तों, कन्नौल किचन में आपका फिर से स्वागत हो गई नई रेसिपी के साथ। तो आज बनाएंगे गोंद के गुड़पाक। वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है, आप इसको सर्दियों में ज़रूर बना के खाइए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने लिया है आटा, यह है बेसन, यह है कुछ कतरक जैसे ड्राई फ्रूट की, और ये है नारियल पुरादा पाउडर, और ये है लाल गोंद बोलते हैं इसको, इसको छीला का गोंद भी बोलते हैं या कमरकस भी बोलते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद रहती है सर्दियों में और गर्मियों में, किसी भी मौसम में आप खा सकते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है। और ये है सफ़ेद गोंद बोलते हैं इसे, फूलना गोंद हमारी देसी भाषा में। तो इसके लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं आप। और ये पाक भी गोंद गुड़ पाक, और ये मैंने लिया है गुड़। तो देख सकते हैं गैस मैंने ऑन कर दी है और कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, इसमें अभी शुरुआत में थोड़ा घी डालेंगे। और ये डाल दिया है मैंने गोंद जो फुलाने के लिए, इसको घी में फुलाएंगे तो बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो देख सकते हैं इसको थोड़ा सा पलट पलट करके सेकेंगे ताकि गोंद अच्छे से फूल जाए, और ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसको जैसे लड्डू में बना के खा सकते हैं या मिठाई जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप खा सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इसको अच्छी तरीके से घी में सेक लेंगे इस तरीके से, ये ज़रूर आप सर्दियों में खाइए, ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। ये है जैसे मैंने कतरक कर रखी थी, आप साबुत भी ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसको भी हल्का सा भून लेंगे जैसे घी में इस तरीके से। इसको ज़्यादा नहीं सेकेंगे, हल्का ही सेकेंगे, बस जो घी गरम था उसमें ही हल्का सेक लेंगे। और ये मैंने जो नारियल का बुरादा था उसका थोड़ा कच्चा सपन रहता है, उसको भी थोड़ा सा गैस मैंने बंद कर दी है तुरंत में, और इसको जैसे घी में हल्का सा ही सेकेंगे। लाल गोंद हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जैसे हमारी हथेलियाँ सर्दियों में और ये एड़ियाँ फटने लगती हैं, और अपनी हथेलियाँ जैसे ठंडे गर्म पानी से फटने लगती हैं, तो उसको जैसे गर्म दूध या ठंडे दूध में आप तीन दिन के लिए 50 ग्राम गोंद ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो इस तरीके से जैसे ये रुआदा और ये कतरक जैसे ड्राई फ्रूट की सीख गई है, उनको मैंने कटोरे में निकाल लिया है इस तरीके से, और ये दोबारा मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। इसमें डाल देंगे जैसे घी, बेसन को और आटे को सेकेंगे। आप इसको बेसन में भी बना सकते हैं, पूरा बेसन भी ले सकते हैं पूरा आटा, पर मैंने इसको अलग ही एक टेस्ट के लिए, मिठाई के लिए अलग ही एक टेस्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा आटा और इससे ज़्यादा बेसन डाला है। जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे बेसन में और आटे में कैसे भी बना सकते हो। तो गैस की आप फ्लेम थोड़ी कम रखेंगे ताकि ये बेसन और आटा अच्छे से सीके। तो देख सकते हैं इनका कलर चेंज होने लगा है, और इसको धीमी धीमी आंच में सीकेंगे ताकि अच्छे से सीके। और इसमें घी थोड़ा अच्छा डालना होगा, इसका टेस्ट इससे बहुत ही स्वादिष्ट आएगा इस मिठाई में। इस तरीके से इसको सेक लेंगे, इसको अच्छे से सेकेंगे ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज होगा, तब तक इसको अच्छे से सिकाई करेंगे। और इस तरह की सी मिठाई आप सर्दी गर्मी में किसी भी मौसम में बना सकते हैं, ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इस मिक्सी जार में इस गोंद को पीस लिया था, इसको सेकेंगे नहीं इसको पीसेंगे, और इसको अच्छे से साफ करके पीसे ताकि इसमें कोई मिट्टी उट्टी ना रहे। और देख सकते हैं मैंने ये ड्राई फ्रूट है उसको भी पीस लेंगे इस मिक्सी जार में, और ये अच्छे से पीस जाएंगे इस तरीके से, इनको पीस लेंगे। देख सकते हैं इनको अच्छे से पीस लिया है। आप इनको जैसे सफ़ेद गोंद को वैसे कटोरी की सहायता से इसको थोड़ा सा फोड़ भी सकते हैं, पर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। और इसको बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए, और सर्दियों में बना रहे हैं तो इसमें इस तरीके से एक चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया, इससे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी, हल्दी भी बहुत ही फायदेमंद रहता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है शरीर में, इसको भी डाल देंगे। आप अगर गर्मियों में बना रहे हो तो इसमें आप इसमें पीसी हुई शक्कर डाल सकते हैं, जैसे चीनी
और यह मैं सर्दियों में बना रही, तो इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ बहुत फ़ायदेमंद रहता है और ये खून भी साफ करता है इसमें, इसलिए आप गुड़ में बनाइए, गुड़ में बहुत ही बढ़िया रहेगा ये गोंद गुड़ पाक। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये मैं यकीन से बोल रही हूँ, ये आप खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आप एक बार बनाओगे तो इसको बार बार बना के खाओगे। तो देख सकते हैं ये मिक्सी जार में जो मैंने गोंद और ड्राई फ्रूट्स पीस रखे थे उनको भी डाल देंगे। इसको चम्मच से अच्छे से निकाल लेंगे। आप अच्छे से हाथ धो के उससे भी, हाथ से भी निकाल सकते हैं इसमें, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और गैस मैंने बंद कर दी थी तुरंत में, और इसको गोंद को सबसे लास्ट में डालेंगे। ये सबसे पहले नहीं डलता है, सबसे लास्ट में डालते हैं। और अभी आटा अच्छे से गर्म है, इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। आप इनको सर्दियों में ज़रूर बना के खाइए, सर्दी या गर्मी में बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर, ये कलर के लिए इसमें डाल देंगे, इसमें और भी अच्छा सा कलर आ जाएगा मिठाई में। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस को बंद ही रखेंगे, नहीं तो गुड़ ऐसे चिकटा सा हो जाएगा और वो चबाने में मिठाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये मैंने ले ली है थाली, थाली के में अच्छे से घी लगा दिया है और इसको निकाल देंगे मिठाई को इस तरीके से। और ये गरम है, इसमें अच्छे से सेट कर देंगे इस तरीके से। आप कटोरी भी ले सकते हैं इसको दबाने के लिए, एक चारों तरफ एक साइज में कर देंगे इस तरीके से। मैंने कुछ इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इनके, मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं कटोरी से। इसको अच्छे तरीके से दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। इनको एक घंटे के लिए रख देंगे बाहर, फ्रीज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रख देंगे, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।